जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 14th अप्रैल 2020 के करंट न्यूज कैन एडिशन को देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड द इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एड्रेस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिन्होंने इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एसोचैम ने। एसोचैम वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था। एसोचैम के बारे में जानते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1920 में। फिलहाल इसके जो प्रेसिडेंट है वो है निरंजन हीराचंदानी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स टू सेट अप हाई पावर्ड कमिटी टू रिस्टोर 4G इंटरनेट सर्विसेज इन JNK। द कमिटी वॉज हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ विच मिनिस्ट्री। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर में 4G नेटवर्क को रिस्टोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी एस्टेब्लिश की है। उस कमिटी को एक मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हेड कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि वो किस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी है जो इस कमिटी को हेड कर रहे हैं। उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, यहां पे आरबीआई गवर्नर की बात हो रही है, हैज हेडेड द 24 मेंबर हाई लेवल कमिटी ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट टू असेस द इमीडिएट एंड मीडियम टर्म इंपैक्ट ऑफ COVID-19। तो COVID-19 के इमीडिएट और मीडियम टर्म इम्पैक्ट को रिव्यू करने के लिए, असेस करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमिटी बनाई है जिसमें 24 मेंबर्स होंगे। हमें बताना है कि कौन से एक्स गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर इस कमिटी को हेड कर रहे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सी रंगराजन। सी रंगराजन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आपके स्क्रीन पर सी रंगराजन साहब, ये 19th आरबीआई गवर्नर थे, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, ये कमेटी असेस करेगी इमीडिएट और मीडियम इंपैक्ट COVID-19 का और फिस्कल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन से रास्ते हो सकते हैं, इन्हें फाइंड आउट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एज पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फॉर 2018 बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने एक डेटा कलेक्ट किया है, ये डेटा ईयर 2018 के लिए रहेगा। हमें इस डेटा के अकॉर्डिंग बताना है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट किस स्टेट का सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देश में सबसे ज़्यादा है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी क्या होता है पहले देख लेते हैं, पर 1000 बच्चों में कितने बच्चे पैदा होने के एक साल के अंदर ही मर जाते हैं, ये होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में हर साल 1000 में से 48 बच्चे एक साल के अंदर ही मर जाते हैं। जब उनकी उम्र एक साल से कम की होती है तभी उनकी डेथ हो जाती है, और ये आंकड़ा है ईयर 2018 का। अगर ओवरऑल कंट्री की बात करें तो 2009 से 2018 में काफ़ी हद तक गिर चुका है, 50 से लेके 32 तक हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट 36% तक ही गिर चुका है। वहीं 1971 में ये आंकड़ा था 129। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ नॉन इन्वेसिव बायो लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिसे शॉर्ट में बायपैप कहते हैं, डेवलप बाय CSIR। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि CSIR द्वारा एक बायपैप वेंटिलेटर डेवलप किया गया, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम रखा गया है स्वस्थ वायु। किसने किया है डेवलप? CSIR के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसकी एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। ये बेंगलुरु स्थित है, यहाँ पर इस बायपैप का डेवलपमेंट किया गया। ये रिकॉर्ड 36 डेज में किया गया। जो भी कोरोना पॉजिटिव पीपल होंगे उन्हें इस बायपैप को यूज करके ठीक करने की कोशिश की जाएगी। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव और इजी टू यूज बायपैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च 2 सैटेलाइट्स नेम्ड जिंगयून 2 टू टेस्ट द स्पेस बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन में हमें एक कंट्री का नाम बताना है जिसने अपने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जिनका नाम है जिंगयून 201, जिंगयून 202। ऐसे ये 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 4, चाइना ने।
जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही देखा, ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है स्पेस बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए। कहाँ से किया गया? जीकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि नॉर्थ वेस्ट चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज गोइंग टू होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। इस क्वेश्चन में हमें कंट्री का नाम बताना है जो फरवरी 21 में फीफा अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंडिया। इंडिया होस्ट करने वाली है फीफा अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप, जो 2020 नवंबर में होने वाला था, अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये होने वाला है फरवरी 2021 में, और लेकिन इसका वेन्यू वही रहेगा, इंडिया ही इसे होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा मलिक एक पैरा एथलीट है। दीपा मलिक हु अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम एज अ प्लेयर। अब ये प्लेयर नहीं रहेंगी, ठीक है, प्लेयर नहीं रहेंगी, टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया। पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट बनने के लिए इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है एज अ प्लेयर। तो हमें बताना है कि ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शॉर्ट पुट। पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट बनने के लिए इन्होंने अपना एज अ प्लेयर रिटायरमेंट ले लिया है। ये गोला फेंक करती थी, शॉर्ट पुट करती थी। ये पहली वुमेन है इंडिया की जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में कोई मेडल जीता है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट है, फ्रांस बेस्ड रेमी डी ग्रिगोरियो हु हैज बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग दी स्पोर्ट फॉर 4 इयर्स इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है, फ्रांस के एक प्लेयर थे जिनका नाम था रेमी डी ग्रिगोरियो, इन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अब ये स्पोर्ट्स में 4 साल तक के पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें बताना है कि ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, साइकिलिंग। ये साइकिलिंग से एसोसिएटेड थे, इन्होंने बैन सब्सटेंस कंज्यूम किए थे, इस वजह से इन्हें बैन कर दिया गया है। ये देख सकते हैं आप आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड अपनी साइकिलिंग किट पर, 34 ईयर्स ओल्ड है। इन्होंने एक ब्लड बूस्टिंग हार्मोन EPO को कंज्यूम किया था, इस वजह से इन्हें बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए। नेक्स्ट है, ऑन विच डे इंटरनेशनल नर्सेस डे इज सेलिब्रेटेड। हमें बताना है कि इंटरनेशनल नर्सेस डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 12 मई, ऑप्शन नंबर 1। फ्लोरेंस नाइटिंगल, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगल को द लेडी विथ द लैम्प भी कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगल की ये 200th बर्थ एनिवर्सरी थी, यानी इनका जन्म हुआ था 1820 12 मई को। इस बार की थीम थी अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इसी के साथ एक और न्यूज़ है, एक और अपने आप में एक क्वेश्चन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के साथ मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स नर्सिंग 2020 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड 28 मिलियन नर्सेस है, लेकिन फिर भी अभी वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 6 मिलियन नर्सेस की कमी है। 6 मिलियन नर्सेस कम है वर्ल्ड में एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं सब। फ्लोरेंस नाइटिंगल, इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को। इस बार की थीम थी अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके द्वार योजना। यानी अब FIR को लॉन्च करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, आपके द्वार, आपके घर पर FIR लॉन्च की जा सकती है, आपके डोर स्टेप पर। तो ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। ये सुविधा लागू की जाएगी भोपाल में। भोपाल में न्यू पुलिस कंट्रोल रूम बना है जिसके वजह से ये सुविधा ये लागू कर पा रहे हैं। इन्होंने एक और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है जिसका नाम है, जिसका जो है डायल 112 हेल्पलाइन नंबर। इससे एम्बुलेंस, पुलिस और फायर फाइटिंग सर्विसेज एक साथ अवेलेबल की जा सकती है इमिजिएटली। नेक्स्ट है, नेम द सिटी विच हैज लॉन्च्ड इनिशिएटिव नेम्ड प्राणवायु टू मॉनिटर ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स एंड हार्ट रेट्स ऑफ पेशेंट्स शोइंग इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस। इस क्वेश्चन में हमें एक सिटी का नाम बताना है जहां पर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्राणवायु। इस इनिशिएटिव से क्या होगा, ये ब्लड ऑक्सीजन लेवल और हार्ट रेट्स पता कर लेगा पेशेंट्स की, जिसके वजह से कोई पेशेंट इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स बता रहा है कि हमें ये पता चल जाएगा। यानी धीरे धीरे अब हम अडाप्ट कर रहे हैं कोरोना को हमारे लाइफ में, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसे चालू करने के लिए हम
ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ रहे हैं जिससे हम कोरोना के साथ रहना सीख सके, क्योंकि इस तरह से लॉकडाउन रहकर तो जिंदगी और वर्ल्ड नहीं चल सकता, राइट। तो इस सिटी ने प्राणवायु नाम का इनिशिएटिव किया है और हमें ये सिटी का नाम बताना है। ये सिटी है ऑप्शन नंबर 3, बेंगलुरु, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज गोइंग टू मेक इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सार्स कोव-2 एलिसा टेस्ट किट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एलिसा टेस्ट किट इसे किसने बनाया है, कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सार्स कोव-2 एलिसा टेस्ट किट बनाई है। तो इस फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम है ऑप्शन नंबर 5, कैडिला हेल्थ केयर। अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, कैडिला हेल्थ केयर ये पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बनी है जिन्होंने इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सार्स कोव-2 एलिसा टेस्ट किट बनाई है। नेक्स्ट है, हु इज सेट टू सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ मार्लेमोन क्रिकेट क्लब फॉर द सेकेंड टर्म। यानी इनका भी टर्म खत्म होने वाला था लेकिन अब इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। तो हमें बताना है कि मार्लेमोन क्रिकेट क्लब, जिसको शॉर्ट में MCC भी कहते हैं, इसका प्रेसिडेंट कौन है और इनका टर्म बढ़ा दिया गया, ऐसा कौन है। इसका नाम है ऑप्शन नंबर 3, कुमार संगकारा, श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन कुमार संगकारा। 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, श्रीलंका के अगेंस्ट ये वर्ल्ड कप जीता गया था और तब ये श्रीलंका के कैप्टन थे। अक्टूबर 2019 से इनका पहला टर्म शुरू हुआ था और इनका टर्म अभी मई में खत्म होने वाला था लेकिन अब ये एक्सटेंड कर दिया गया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे 14th May 2020 के इम्पोर्टेंट करंट न्यूज। कल फिर मिलेंगे नए करंट न्यूज कैन एडिशन में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।